तो गाइस फाइनली प्रणव भाई आ चुके हैं अपनी पोर्शे लेके और ये खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर। तो चलो देखते हैं कौन सी जीतती है, ड्रैग रेस करते हैं इसको। तो मैं फर्स्ट गियर में हराऊंगा, तीन बार हॉर्न मारूंगा। ओ भाई भाई, अरे हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बजने वाले हैं, फिलहाल नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज अभी हमारी फ्लाइट है दिल्ली के, अभी मुंबई में है ना, कल काम से आए थे तो वो हो चुका है। तो अब चलते हैं सीधा, मैं तो रेडी हो गया, साहिल रेडी हो गया, फिर निकलते हैं। हमारी 8:45 की फ्लाइट है तो 7 बजे निकलेंगे यहाँ से। और ये देखो सुबह सुबह का मुंबई का व्यू, रात को भी मजा आता है यहाँ से देखने में, और दिन में भी मतलब पूरी बिल्डिंग सी बिल्डिंग मस्त दिख रही है यहाँ पे। तो साहिल भी रेडी हो गया है तो चलो अब चलते हैं। तो अभी विनीत भाई आ लेने के लिए, विनीत भाई ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट बगल में ही है यहाँ पे, तो फिलहाल यहीं पे वेट करते हैं। चलो भाई, विनीत भाई आ चुके हैं, BMW लाए हैं सुबह से। अरे ठोकना मत, बैठो जल्दी। और कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो यार? आप क्या बात, आज गले वाले कुछ नहीं मिल रहे यार? बस बढ़िया बढ़िया। यही वो एयरपोर्ट है जहाँ पे सारे सेलिब्रिटी दिखते हैं। तो ये और कौन से सारे बैग हैं ये? गाइस देखो कितनी लंबी लाइन है, फाइनली अंदर आ गए हैं भाई। इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे सुबह सुबह, इतनी ज्यादा। फाइनली हम टाइम से पहुंच गए हैं गाइस, यहाँ पे हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले। देखो गाइस ये वाला प्लेन देखो कितना बड़ा भाई, आज तो बिल्कुल फ्रंट की सीट मिली हमको, देखो बिल्कुल आगे की सीट। बट खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसे खाएंगे? खाना हाथ में, टेबल नहीं है यहाँ पे, कहीं खाना मिले ना, खाना मिलेगा। तो आज खाने में मसाला डोसा। पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और इस तरह अलग कर लें। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर और दो द्वार विमान के आगे के भाग में है। हम बादलों में उड़ रहे हैं, ये देखो बादलों में। गाइस ये देखो क्या मस्त लग रहा है, ऐसा व्यू तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये देखो नीचे पानी भी दिख रहा है, पूरा सी दिख रहा है नीचे, सच में बादल है क्या ऐसा लग रहा है। आज तो पूरे बादल ही बादल है भाई बाहर, मतलब नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है आज तो। तो गाइस अपना खाना आ चुका है और यहाँ भी टेबल है बड़ी, इसके अंदर है टेबल ट्रे, निकाल कर ये देखो भाई है इसमें ट्रे, मुझे पता नहीं था, यूजुअली आगे होती है ना। कितना मेहनती है यार इसाइज। अब यहाँ से सीधा चलते हैं अपने नए वाले घर पे। तो अभी गाइज हम पहुंच चुके, जब हमारी गाड़ी खड़ी थी तो हमारी गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी थी। तो गाइज अपनी फॉर्च्यूनर लेके निकल गए हैं, अब चलते हैं अपने घर पे। तो गाइज न्यू घर पहुंच गए हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रणव भाई के घर पे, उनकी पोर्शे के साथ हमारी रेस है फॉर्च्यूनर के साथ में। बाकी ये हमारा न्यू घर, अभी अच्छे से दिखा रहा मैं आपको। चलो आज किचन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा गाइस, अच्छे से दिखाऊंगा एक बार, फर्नीचर लग जाए सारा अच्छे सेट हो जाए। तो गाइस मेरे को तो लग रही थी भूख, तो मैंने ऑर्डर किया सबवे, तो सबवे खाते हैं। और चाय पीने का मन करता है, मैंने चाय पीने का सारा सामान मंगा लिया ऑनलाइन। ये है चीनी, दूध, चाय पत्ती और अदरक, ये सारा मैंने ऑनलाइन मंगाया है। दिल्ली में ना जैप्टो से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं और 10 मिनट में सामान आ जाता है, तो ये चीज़ बढ़िया है। तो अभी मैंने चाय का सामान मंगाया है, बाकी खाने पीने का थोड़ा बहुत अभी मंगाया है, लेकिन बाद में मेरा प्लान है मम्मी को बुलाने का, मम्मी पूरा घर सेट कर देगी। गए जी सारा सामान ऐसे पड़ा हमारा, तो सामान रखने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा हमको। अभी देखो पूरा खाली खाली है ना। तो गई थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लिया हमने, अब चलते हैं प्रणव भाई के पास में और रेस करते हैं, देखते हैं पोर्शे जीतती है फॉर्च्यूनर जीतती है। वैसे तो पोर्शे ही जीतेगी, बट मुझे देखना है कि कैसा रहता है, मतलब कितनी देर में वो आगे निकलती है, कितनी देर में हमारे पीछे रहती है, बिकॉज फॉर्च्यूनर भी कम नहीं है भाई पोर्शे से। तो चलो चलते हैं, स्पोर्ट्स कार वर्सेस फॉर्च्यूनर। तो गई प्रणव भाई आ चुके हैं अपनी पोर्शे लेके, तो आज हम इसी के साथ में रेस करने वाले हैं, देखते हैं फॉर्च्यूनर जीतती है पोर्शे जीतती है। और ये रही अपनी फॉर्च्यूनर जो कि अभी साइकिल चला रहे हैं, तो उसके बगल में लगाते हैं एकदम। तो गाइस फाइनली प्रणव भाई आ चुके हैं अपनी पोर्शे लेके और ये खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर। तो चलो देखते हैं कौन सी जीतती है, ड्रैग रेस करते हैं। इसको तो मैं फर्स्ट गियर में हराऊंगा, तीन बार हॉर्न मारूंगा फिर भगते हैं। स्पोर्ट्स मोड डाल देता हूँ मैं तो।
चलो गाइस देखते हैं। वैसे मेरी हारेगी यार, फॉर्च्यूनर है वो तो स्पोर्ट्स कार है, बट फिर भी ट्राई करेंगे। स्पोर्ट्स मोड लगा दिया मैंने गाइस, चलो देखते हैं कौन जीतती है आज। यार ये जीतेगी यार पोर्शे, सीधी सी बात है ना भाई, कहाँ इसकी स्पीड, कहाँ उसकी स्पीड। चलो चलो भाई, अपनी आगे निकल गई। ओ भाई भाई, अरे अरे फॉर्च्यूनर आगे भाई, कैसे? ओ भाई फॉर्च्यूनर आगे कैसे, अब ये क्या हो गया, फॉर्च्यूनर जीत रही है भाई। भाई भगा ही नहीं लग रहा उन्होंने, भाई अपने आगे निकल गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो भगा नहीं रहे वो, देखना भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। रहने दो, झूठ बोल रहे हो, भगा नहीं रहे हो, भगा नहीं रहे हो जानबूझ के ना। अब हो रहा है गाइस सेकंड राउंड। भाई फॉर्च्यूनर कैसे आगे निकल गई, भाई उन्होंने भगा ही नहीं लग रहा है। ओ ओ ओ, 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 ओ ये हुई ना स्पीड गाइस, लास्ट टाइम भगाई नहीं पड़ना भाई ने, अब भगाई देखो भाई, उसकी तो स्पीड ही अलग है पोर्शे की, खतरनाक भाई। नहीं हो पाएगा भाई, हो ही नहीं पाएगा। उनका बोल जंगल में आ जाओ। हाँ जंगल में तो फिर ये जीतेगी, नदी में आ जाओ। हाँ नदी पहाड़ जंगल में, ये एक दो तीन स्टार्टिंग में तो मेरी आगे थी गाइस, बस स्पीड में जी सकती, बाकी सब चीज़ में वो जीतेगी, स्पीड के लिए और लुक के लिए। अदरवाइज बेस्ट यही है भाई, इंडियन रोड्स के हिसाब से यही बेस्ट है अपनी प्यारी फॉर्च्यूनर। लेकिन गाइस अगर आपको दूर जाना है तो आपको फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी। अगर मुझे दिल्ली से हल्द्वानी जाना है तो ये जल्दी पहुंचेगी, स्पोर्ट्स कार पहुंचेगी नहीं हल्द्वानी, ये सिर्फ दिल्ली में चल सकती है, अच्छी अच्छी रोडों में चल सकती है। गाइस यहां तो बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो मस्त, जब से हम दिल्ली आए ना मौसम इतना मस्त हो रखा है बारिश वाला, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बारिश में ड्राइव करने में अलग ही फील आता है गाइस। तो अभी फिलहाल आ चुके अपने नए घर पे, और इस घर को ना मम्मी सेट कर सकती है, एक दिन मम्मी को लेके आऊंगा, मम्मी जो सामान, मम्मी को पता क्या क्या सामान चाहिए किचन में और घर में, जो बेसिक बेसिक सामान है, ज्यादा सामान मिल लूंगा, सिर्फ बेसिक जो जरूरत का सामान है ना वो इस घर में रखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये बेड भी वापस करना है, बेड भी मुझे अपना रेंट पे कहीं पे लेना पड़ेगा, देखते हैं जो सामान है मम्मी बताएगी, जो मम्मी बताएगी ना वो मम्मी के हिसाब से लेंगे, बिकॉज अगर मैं लेऊंगा फालतू में खर्चा तो मम्मी अपने हिसाब से, मम्मी को पता है ना किस तरह से घर को बनाया जाता है अच्छे से। चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज अभी मैं थक गया हूँ तो मैं सोऊंगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। कल हम जाएंगे वापस हल्द्वानी, तो देखना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइज ये देखो हमको कौन सी गाड़ी दिखी। भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने सडनली आपकी गाड़ी दिखी एकदम से। हाँ बस मैं स्कूल में एडमिशन कराने आया था। किसका? और बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम बढ़िया। कैसा था बॉम्बे? बढ़िया बढ़िया, मजा आया।